नमस्कार साथियों, 10 अप्रैल 1912 दिन था बुधवार का, जब इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए 2,223 यात्रियों के साथ उस सदी का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस जहाज के कमान संभाले हुए थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। पब्लिक में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस जहाज को लेकर। यह जहाज उस सदी का सबसे बड़ा, जिसकी लंबाई 269 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर, और इसको बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर का खर्च आया था। इस जहाज के अंदर का फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5-स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। इस जहाज में मौजूद जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और पावरफुल वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम मौजूद थे। इस जहाज को बनाने में इस प्रकार का सेफ्टी फीचर्स का यूज किया गया था कि माना जाता था यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि यह इतना सेफ है। इस जहाज का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन ने किया था, जिसके वाइस प्रेसिडेंट फिलिप अल्बर्ट स्मॉल फ्रैंकलिन ने पब्लिक में डायरेक्टली यह कह दिया था, यह जहाज इतनी सेफ है कि कभी डूब ही नहीं सकती। और इस जहाज का एडवर्टाइजमेंट अनसिंकेबल जहाज के रूप में किया गया था। लेकिन सफर पे रवाना होने के 2 दिन बाद ही इस जहाज को आइस वार्निंग मिलनी शुरू हो गई। फिर भी यह अटलांटिक महासागर को चीरते हुए न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अपने सफर के केवल 2 दिन बाद ही टाइटैनिक को अपनी पहली इस वार्निंग मिलने लग जाती है कि जिस अटलांटिक महासागर को चीरते हुए ये अमेरिका की ओर बढ़ रही है, उसमें बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। इस वार्निंग को सुनने के बाद टाइटैनिक अपने रास्ते को 2 बार बदलते हैं, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करते। टाइटैनिक अपने मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन 2 दिन बाद 7 और वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ इसे इग्नोर कर देते हैं। 14 अप्रैल की रात, जब चांद बाहर नहीं आया, वहां अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी शिप अपने मैक्सिमम स्पीड के साथ अटलांटिक महासागर को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। क्रूज नेस्ट यह जहाज के आगे वाला ऊंचा हिस्सा होता है, जहां से जहाज के आगे की निगरानी की जाती है। इसके निगरानी के लिए वहां कुछ बंदे को रखा जाता है। रात के 11:39 हो रहे थे। फ्रीडरिक फ्लिट और रिनाल्ड ली नाम का बंदा क्रूज नेस्ट पर बैठा था कि अचानक से देखता है बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ सामने आ गया। वह 3 बार घंटी बजाता है और फोन लगाकर कहता है, जहाज मोड़ो, बर्फ का पहाड़ सामने आ गया। तभी ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को इन्फॉर्म करते हैं कि जहाज को मोड़ो, लेकिन बहुत देर हो चुका था। 11:40 हो रहे थे जब टाइटेनिक जाकर उस बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। बर्फ का पहाड़ भी छोटा मोटा नहीं, 400 फीट लंबा और 100 फीट ऊंचा था। वैज्ञानिक की माने तो इसका वजन लगभग 1.5 मिलियन टन होगा। जहाज बर्फ के पहाड़ से अपने राइट साइड से टकराया, जिसके कारण शिप में छेद हो गया। जहाज के टकराने के कुछ ही देर बाद शिप के कैप्टन और शिप के आर्किटेक्ट यह देखने पहुंचे कि जहाज को कितनी चोटें आई इस टकराव की वजह से। देखा तो दंग रह गए कि यह जहाज तो अब डूब जाएगा।
क्योंकि इस टकराव के वजह से जहाज में इतना इम्पैक्ट पड़ा कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट में ऑलरेडी पानी भर चुके थे। 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था इस जहाज को डूबने से अब नहीं बचाया जा सकता है। टकराव के 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं अपने क्रू मेंबर को कि रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजो ताकि कोई जहाज अगर हमारे पास हो तो हमें बचाने के लिए आए। ऑर्डर मिलने के बाद जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस कॉल भेजते हैं ताकि कोई शिप सुने और हमें मदद को आए। बहुत कोशिश के बाद 12:20 पर RMS कार्पेथिया इस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं जो टाइटेनिक के करीब था। थोड़ी देर बात करने के बाद RMS कार्पेथिया यह निर्णय लेते हैं कि हम उन्हें बचाने चलेंगे और ऑर्डर देते हैं जहाज को मोड़ो। प्रॉब्लम बस इतनी है कि हम उनसे 107 किलोमीटर की दूरी पे और हम टॉप स्पीड पर भी चले गए तो 3:30 के करीब लगेगा। क्या 3.5 घंटे तक टाइटेनिक बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर हवा में रॉकेट उड़ाने लगे इस उम्मीद में कि अगर कोई शिप देखेगा तो वो हमारी मदद को आएगा। दुर्भाग्यपूर्ण कार्पेथिया जहाज के अलावा और कोई रिस्पांस नहीं आया। इसी बीच शिप के कैप्टन ऑर्डर देते हैं शिप में मौजूद लोगों को एविक्यूएट किया जाए शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाएं और बच्चे को पहली प्रायोरिटीज दी जाए। जहाज में बैठे पैसेंजर की बात करें तो उसे डर नहीं लगता था क्योंकि उसे यह सबसे सेफ जहाज लगता था। जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो उसमें 65 लोगों के बजाय केवल 28 लोगों को ही उतारा गया। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी। उसके बाद एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जब पैसेंजर को यह रियलाइज हुआ तो जहाज में अफरा तफरी मच गया। रात के 1 बजे जहाज में इतना पानी भर गया था कि जहाज का अगला सिरा पानी के अंदर डूब गया और पिछला सिरा पानी से बहुत ऊंचा उठ गया तो लोगों में हड़बड़ी मच गई। लोग अपने जान को बचाने के लिए लाइफ बोट में कूदने लगे। कहा जाता है शिप में केवल 20 लाइफ बोट मौजूद थे जिसकी कैपेसिटी लगभग 1200 लोगों को थी, लेकिन उसमें 700 लोगों को ही बिठाकर भेजा गया। रात के 2:05 हो रहे थे जब अंतिम लाइफ बोट पानी में उतारा गया। जहाज में अब भी लगभग 1500 लोग बचे थे। रात के 2:20 हो रहे थे जब उस सदी का सबसे बड़ा और कभी ना डूबने वाला जहाज अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक महासागर के गोद में समा गया। जो लोग जहाज में मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ डूब गए या पानी में कूद गए। पानी का तापमान लगभग -2°C था जिस कारण जो लोग पानी में कूदे थे वह कुछ ही मिनटों में मर गए और 700 लोग जिसे लाइफ बोट में भेजा गया था उसे RMS कार्पेथिया ने बचा लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।